के गुनाह को, अरे जैसा मर्तबे का आला मालिक गुलाम का होता है गुलाम भी पहचाना जाता है। सुनो सुनो सुनो, नबी करीम सबसे आला सबसे ऊंचे हैं, फरमाते हैं आला हजरत सबसे ऊंचा सब सारे ऊंचो में ऊंचा समझिए जिसे है ऊंचे से ऊंचा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा पानी मिला गिलास में पानी मॉडल गिलास आप सब मालिक हैं, आप सब मुख्तार हैं, अल्लाह ने आप सबको बड़ी इज्जत दी है, अल्लाह ने आप सबको बड़ी अहमियत दी है, अल्लाह ने आप सबको बड़ा मकाम दिया है। जरा गिलास का बोतल हमारा नहीं अरे है सुभान अल्लाह बोले अल्लाह से आमना के लाल अब्दुल्ला के प्यारे क्या आपके भी नबी है अम्बिया की बारगाह में अहमदुल्ला का तसव्वुर में सवाल सुने अम्बिया से करूँ अर्ज क्यों मालूम को क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी तो अम्बिया की रूह खुश होती है आप जवाब देती है अहमदुल्ला सुनने की बात है अरे जैसे सबका खुदा वही जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत रसूल के माने का आपको सुधर होता है रसूल का माना क्या रसूल का माना एक शरीर में है पैगंबर मैसेज डिलीवर करने वाला जिसको मैसेंजर कहते हैं आप लोग मोबाइल पर मैसेंजर देखते हैं क्या मैसेंजर रसूल का माना अंग्रेजी में मैसेज है मगर हम अंग्रेजी को मैसेज पोस्टर भी करते हैं पोस्टर भी कहते हैं रसूल का माना पैगाम पहुंचाने वाला पैगाम लाने वाला और कुरान में नबी शरीयत की जुबान में रसूल मुअज्जम हस्ती को कहते हैं जिसको अल्लाह ने इस दुनिया में अपना पैगाम पहुंचाने के लिए लोगों तक अपने बंदों तक भेजा और उन पर किताब भी नाजिल फरमाई और उनको शरीयत भी मुसलमानों के उर्फ में जिसको अल्लाह ताला ने दीन इनायत फरमाया हो और किताब इनायत फरमाया हो और अपना पैगाम उसे दिया हो जिब्रील के जरिए से या उनके दिल पे अपना पैगाम उतार दिया हो उसको रसूल कहते हैं। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों हम गया बहुत सारे हैं मगर रसूलों की तादाद सिर्फ 313 है और उसमें भी मुआसम रसूल है लेकिन सबसे आगे रसूल सबसे आला रसूल सबसे बड़ा रसूल सबसे ऊंचे मर्तबा वाला रसूल हमारा रसूल सबसे ऊंचे मर्तबे वाला रसूल सबसे ज्यादा देने वाला रसूल सोए और हमारी याद में नबी रात भर रोए हम सोए वो रोए हम चादर तान कर सोए और वो रब के आगे गिड़गिड़ाए मौला मेरे उम्मत से गुनाह को मौला मेरे उम्मत को मुझे हिफाजत कर दो मौला मेरी उम्मत को मुसीबतों से बचा ले मौला मेरी उम्मतों को हाँ ए अल्लाह तू अपने खास करम के साए में रख ले ये नबी सबसे आला नबी सबसे आला रसूल हमारा रसूल आए बेहसाम आए लेकिन खास तब्के के लिए आए मोहम्मद आए इंसानों का आए इंसानों के रसूल तो सारे आदमियों के रसूल हैं चाहे वो यहूदी हो चाहे सिख हो
चाहे ईसाई हो चाहे बुद्धिस्ट हो, दुनिया में जितनी भी कौमें हैं सबके तरफ मेरे आका रसूल है, सबके तरफ रसूल है। आप सवाल करेंगे ईसा मसीह साहब जब सबके रसूल है तो सब क्यों नहीं मानते रसूलुल्लाह? ये तो खतमाती है, ये तो अकल की बड़ी अजीब बात है। जब सबके रसूल है तो सब क्यों नहीं मानते? आप तो सवाल कर सकते हैं, अरे जनाब खुदा सबका है, सब खुदा को क्यों नहीं मानते? जवाब मिला आपको, खुदा तो सबका है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जब खुदा सबके है सबका है तो सब खुदा को नहीं मानते। रसूलुल्लाह सब पे रसूल है, जिनके नसीब में सआदत है, जिनके नसीब में अल्लाह ने जन्नत लिखा है, वही रसूल को रसूल मानते हैं। जिनको जहन्नम का आयत करना है वो जान करके भी नहीं मानते। इसलिए इस बात पर सवाल नहीं होना चाहिए कि जब सबके रसूल है तो सब क्यों नहीं मानते? उसकी दो सूरत शरीयत में आती है, सब इल्म बात आपको इस्लाम में नहीं छेड़ता, क्योंकि उसको छेड़ तो फिर उसके लिए अलग से इल्म बात छेड़ने की जरूरत है। सब के रसूल है, इस हिसाब से रसूलुल्लाह की दावत सबके लिए आम है। एक है दावत आमा, यानी कलमा पढ़ो सबके लिए आम है। तो उम्मत दो तरह की होती है, एक उम्मत दावत, दावत मैंने बोला मेरे आका का पैगाम, मेरे आका पर उतरा हुआ कुरान हर एक को दावत दे रहा है कि हर एक को दावत दे रहा है कि मोहम्मद को नबी मान, हर एक को दावत दे रहा है कि कुरान अल्लाह का, हर एक को दावत दे रहा है कि काबा खुदा का घर है, हर एक को दावत पहुंच रही है कि अल्लाह एक है उसका कोई शरीक नहीं, लाज मना खुदा है। और दूसरे ये सनातन और दूसरे ये असनाम खुदा नहीं है, ये दावत हर एक को है। लिहाजा उम्मत दावत के हिसाब से कायनात का हर इंसान, इस दुनिया का हर आदमी अल्लाह के रसूल के उम्मत में है, उम्मत दावत उसे बोलते हैं। और जिन्होंने कलमा पढ़ा, जिन्होंने गुलामी की पट्टी गले में डाली, जिन्होंने मोहम्मद रसूल का सुरमा आंखों में लगाया, तो कलमे के जवाब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ सके नबी की गुलामी में आए, उनको उम्मत इजाबत, उनको क्या बोलते हैं? उम्मत इजाबत। उनको क्या बोलते हैं? अरे ऐसे दुआ मांग रहे हैं, बोलो बोलो उनको क्या बोलते हैं? उम्मत इजाबत। दुआ मत मांग, बहुत दिक्कत रखो, अभी दुआ मांगने का टाइम नहीं है, कान से सुनो। उनका क्या नाम है? उम्मत इजाबत, जिन्होंने कलमा पढ़ा, जिन्होंने कुरान को अल्लाह की किताब मान लिया, उनका नाम है उम्मत इजाबत। यानी रसूलुल्लाह की दावत का उन्होंने जवाब दिया और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, वो उम्मत इजाबत कहलाती है। ये जब क्लियर हो गया तो इंसान तो मानते ही है, और न मानने वाले तो कभी नहीं मानते। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तो तमाम मखलूक मुझे जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। Every single creature knows that I am a messenger of God. مخلوق سب جانتی ہے کہ میں رسول اللہ ہوں، میں خدا کا نبی ہوں، میں خدا کا پیغمبر ہوں. الا except all the disbeliever jinn and ins, Satan and human being, سوائے اس کے کافر جن اور انسان. نبی فرماتے ہو تمام مخلوق مجھے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے کافر جن اور انسان. کافر جن اور انسان جانتے کے بھی نہیں مانا. اب جہر سے جانتے آپ کو کون جانے گا؟ بیشک उत्बा शहबा से जाते आपको कौन जानेगा, सगा चचा अब्दुल हक से जाते आपको कौन जानेगा? जानता तो वो था मगर माफ करो, कुरान जानने वाले बहुत है, एक से एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, एक से एक महात्मा, एक से एक महात्मा नहीं कहना चाहिए,
मैंने रुजू किया, एक से एक बुद्धिमान लोग। अरे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कलमा नहीं पढ़ते हैं, पूरा कुरान याद किए हुए है ना मानते, बहुत से पंडितों को कुरान याद है, अब पूरा का पूरा कुरान याद है। आप कहिएगा अरे भाई उसका सीने में कुरान है तो वो आग में कैसे चलेगा। आजकल लोग एक से एक पेच निकलता है, जब कुरान सीने में तो कैसे आग में चलेगा। अरे सीने में कुरान है मगर उस कुरान का एक कुरान दिमाग से नहीं किया। सालियों को सिवाय और यानी कुरान भी पढ़ेगा।